मुख्यमंत्री द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं शुक्रवार को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग अपनी 100 करोड़ रुपए की जमीन के लिए DIG से मिलने पहुंच गया। इस दौरान बुजुर्ग ने SP से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बुरा मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के पालीवाल नगर का है, जहां रहने वाले 80 वर्षीय लीलाधर पालीवाल अपनी ही जमीन को पाने के लिए पिछले 40 सालों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जहां भूमाफिया हरीश बजाज व ओम प्रकाश पालीवाल ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा कर जमीन को अपने नाम करवा ली और तहसीलदार के साथ मिलकर फर्जी तरीके से खसरा नंबर डाल दिया, जिसकी शिकायत फरियादी लीलाधर पालीवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भूमाफियाओं की शिकायत की थी। जहां मुख्यमंत्री ने इंदौर DIG मनीष कपूरिया से मिलने की बात कही थी, वहीं शुक्रवार को लीलाधर पालीवाल हेडक्वार्टर SP अरविंद तिवारी से मिलने पहुंचे, जहां SP हेडक्वार्टर ने पूर्वी SP को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अभी आए थे, उन्होंने एक आवेदन दिया है, क्योंकि उनका जो पलासिया थाना क्षेत्र में उनका वो पड़ता है, इसलिए आवश्यक कार्रवाई हेतु SP के कार्यालय भिजवाया गया है। संबंधित थाने से इसकी जांच कराकर फिर कार्रवाई की जाएगी। कुछ उनका पुराना जमीन या उससे संबंधित कुछ विवाद है। पालीवाल नगर से लगी हुई हमारे स्वामित्व और अधिपति की भूमि, इसका की सर्वे नंबर 788/4 है, कि वे भूमाफियों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई 788/1/1, जबकि वो नंबर वहाँ अस्तित्व में है ही नहीं, और हमारी जमीन पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं, और टाउन प्लानिंग से उन्होंने परमिशन ली कॉलोनी बनाने की। हमने टाउन प्लानिंग को शिकायत भी की कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी केस अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, अभी पेंडिंग है केस, फिर भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कानून के विरुद्ध उन्हें परमिशन दे दी। जब किसी भी चीज़ में कभी विवाद हो तो उस विवादित बस्ती की परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि अभी तो केस ही चल रहा है ना, अभी डिसाइड ही नहीं है ना कि कहाँ क्या होगा। रेवन्यू बोर्ड में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, और 2007-08 में तहसीलदार से मिल के इन्होंने हमारे नंबर पे अपना नंबर चढ़वा लिया, और तहसीलदार को कई सब कुछ शिकायत की, लेकिन किसी ने कुछ अभी तक कुछ निर्णय नहीं दिया, जबकि न्यायालय में केस अभी भी पेंडिंग है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।